नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। त्योहारों में ट्रेनों में होने वाली भीड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। ऐसे में लोगों के लिए यात्रा करना किसी मुसीबत से कम नहीं होता। एक तरफ टिकट की मारामारी होती है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में भीड़ के चलते यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है। रंगों के त्यौहार होली के मौके पर भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए स्पेशल इंतज़ाम किए हैं। इसके लिए रेलवे ने न सिर्फ होली स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं बल्कि ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूरे मध्य रेलवे द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। ट्रेनों स्टेशनों पर भीड़ को कंट्रोल करना, यात्री सुविधा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराते हुए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए नियमित ट्रेनों के अलावा 24 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार ज़्यादा गाड़ियों के परिचालन के ऊपर ध्यान केंद्रित है। यात्रा के दौरान यात्री सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कुछ प्रमुख स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड के साथ रेल सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। महिला यात्रियों की सुविधा हेतु RPF की महिला वाहिनी टीम सक्रिय है। साथ ही रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल के बीच सामान्य स्थापित करके भीड़ प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यात्रियों की सहायता के लिए TT और रेल सुरक्षा बल की तैनाती के साथ साथ अधिक भीड़ वाली स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रेल सुरक्षा बल द्वारा ऐसे सभी उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोई भी यात्री नशाखुरानी गिरोह का शिकार ना हो। सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए प्रमुख स्टेशनों के भीड़ वाले फुट ओवर ब्रिज पर RPF की तैनाती की जा रही है, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर अनावश्यक भीड़ ना हो और यात्रियों के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर घोषणा की जा रही है। मोबाइल द्वारा UTS टिकट प्राप्त करने संबंधी उद्घोषण सुनिश्चित की जा रही है। यात्री सुरक्षा को देखते हुए मुख्य स्टेशनों पर CCTV कैमरे से रेल सुरक्षा बलों द्वारा 24 घंटे गहन निगरानी की जा रही है। यात्रा टिकट प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 16 मार्च से 23 मार्च 2022 तक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, धनबाद, पटना, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे होली के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन चला रही है और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मंडलों में रेल टिकट के अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही प्रमुख स्टेशनों के आरक्षण कार्यालय में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे टिकट दलालों पर सीधी निगरानी रखी जा सके। स्टेशनों, ट्रेनों, शौचालय, कोच आदि में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।